elefante dentro, the jaguar. Oh, vamos. El casco lo diré. Not the bad. फजूल बातें मत किया करो। आज का मुजाहरा सिर्फ मतलब अगर हम ले रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टरों पर तशद्दुद तो वो सिर्फ डॉक्टरों पर तशद्दुद नहीं, आज के किस में मुख्तलिफ अनासर शामिल हैं। ये एक सिर्फ आज हम शुरुआत ले रहे हैं, इसके बाद अगर हुकामे बाला ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो हम इससे भी सख्त स्टेप्स पर चले जाएंगे। आज का जो क्या था वो चार दिन पहले हमारे एक डॉक्टर के साथ ट्रामा सेंटर में तशद्दुद हुआ और कल प्राइवेट क्लिनिक में एक के साथ सीनियर प्रोफेसर साहब के साथ तशद्दुद हुआ, उस पर हमने स्टार्ट लिया क्योंकि पिछले 8 महीने से हम तहफ़ बिल का डिमांड कर रहे हैं, जो ये बिल को मतलब अभी तक उस बिल की ड्राफ्टिंग नहीं हुई। 8 महीने हो गए, हमने 8 महीने सरकार को दिए कि हमें इन हॉस्पिटल्स में तहफ़ दिया जाए और इस 8 महीने में एक नहीं सैकड़ों वाक़ा हुए जिसमें हमारे फीमेल डॉक्टर्स पर भी तशद्दुद और गालियाँ दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे मुतालबात हैं, हम जब सेक्रेटेरिएट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं 400 डॉक्टरों के जो एडॉक बेसिस पर उठाना और उसके बाद उनको परमानेंट करना, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके अलावा हमारे स्टाइपेंड एचओज और जो पीजीज यहाँ ट्रेनिंग होते हैं, जहाँ पंजाब में उन्हें 1 लाख रुपये और सिंध में 80,000 मिल रहे हैं, हमें 40 और 24,000 मिल रहे हैं जब हम सेक्रेटेरिएट जाते हैं। इसके अलावा मतलब वो डिमांड्स छोड़ दें, इसके अलावा जो रोज़ाना मामूल के काम होते हैं, जो काम होने चाहिए वो हम सेक्शंस ऑफिसर्स के किस में महीनों दरपदर ख्वार होते हैं, और उन महीनों दरपदर ख्वार होने का मकसद सिर्फ नाजायज़ उनके मुतालबात होते हैं, जो एक आम ट्रांसफ़र पोस्टिंग ट्रेनिंग की
जो मतलब करना ही करना होता है ट्रेनिंग, क्योंकि बलूचिस्तान की बदकिस्मती है कि सिवाय क्वेटा के और कोई टर्जरी केयर हॉस्पिटल इसको अवेलेबल नहीं है कि वहाँ ट्रेनिंग हो सके। जब पेरिफेरी से वो FCPS पार्ट वन क्लियर करते हैं वो यहाँ आते हैं ट्रेनिंग के, मतलब ये कानून है उन्हें ट्रेनिंग की इजाज़त है और उन्हें यहाँ के अलावा और कोई फैसिलिटी नहीं है। जब वो जाते हैं और सेक्शन ऑफिसर हजरात के पास वो उन्हें महीनों महीनों दर पदर ख्वार करते हैं और उनके बाद उनके जो बाहर क्या हजरात बैठे होते हैं वो पीछे से जाकर कुछ अपने नाजायज़ मुतालबात रखते हैं। अब एक PG जिसकी क्या 40,000 या MO जिसकी 80,000 होगी वो उनके लाख, दो लाख, तीन लाख की मुतालबात मुकम्मल नहीं कर सकती है। तो हम SO के हेल्थ डिपार्टमेंट से बर्खास्ती का भी मुतालबा करते हैं। इसके साथ अपने 500 पोस्ट हैं उनकी परमानेंट बेसिस पर हमें बताया जाए उन्हें परमानेंट कब किया जा रहा है, और उसके अलावा हमारे PGs जो क्वेटा में ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें डाक पर नहीं उठाया जा रहा है। ये सारे हमारे मुतालबात हैं और अब हम इस अपने एहतजाज को ट्रामा सेंटर से, अगर ये मुतालबात ना माने गए ट्रामा सेंटर से हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाए देंगे।